भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने ली प्रदेश के निकाय प्रमुखों व सहकारिता अध्यक्षों की बैठक। जयपुर रोड पर होटल पैराडीजो में हुई बैठक में प्रदेश भर से भाजपा बोर्ड के महापौर, उपमहापौर, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि मंगलवार को अजमेर पहुंचे, जहां जयपुर रोड स्थित होटल पैराडीजो में उनका भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और जिला पदाधिकारियों ने स्वागत किया। राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने यहां प्रदेश के निकाय प्रमुखों और सहकारिता अध्यक्षों की बैठक ली। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भजनलाल, उपाध्यक्ष व अजमेर प्रभारी प्रसाद मेहता, प्रदेश मंत्री सोहन सिंह बागड़ी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित प्रदेश व जिला स्तरीय कई नेता मौजूद रहे। प्रदेश भर में भाजपा बोर्ड के नगर निगम महापौर, उपमहापौर, नगर परिषद के सभापति, उपसभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। साथ ही सहकारिता अध्यक्षों व जनप्रतिनिधियों की बैठक भी रखी गई। बैठक में भाजपा संगठन को मजबूत करने और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा कर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायिका अनिता बधेल की ओर से राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को शौर्य का प्रतीक तलवार भेंट की गई। राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कार्यक्रम से जब सलेमाबाद के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक लेनी थी, तो आयोजन स्थल पर मीडिया ने उन्हें घेर लिया और कुछ सवाल किए, जिनका जवाब सीटी रवि ने टूटी फूटी हिंदी में देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ सिखाने नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता होने की वजह से कुछ सीखने आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को लेकर वह झारखंड और राजस्थान में प्रवास पर हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड के नाम पर देशवासियों को पूर्व में बड़ा धोखा दिया है। मोदी जी देश को उससे छुटकारा दिलाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। जरूर इस पर कुछ अच्छा काम होने वाला है। क्या आगमन हुआ है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, क्या उद्देश्य है? केवल मोटिवेट करना नहीं है, सीखने के आया हूँ। राजस्थान संगठन के बहुत पुराना संगठन है, इधर अच्छा अच्छा काम किया है। संगठन सभी जनरल सेक्रेटरी को अलग अलग 3 महीने में एक बार 2 प्रांत के भेजता है। इसके अनुसार इस बार मेरा प्रवास झारखंड और राजस्थान में है। कल से आज तक अच्छा सीखा हूँ, अच्छा चल रहा है राजस्थान। कार्यकर्ताओं से आपका संवाद हुआ है, किस तरह का फीडबैक वर्कर्स ने दिया है पिछले 2 दिनों में आपको, स्टेट गवर्नेंस को लेकर और पार्टी के अंदर के मामलों को लेकर? अंदर की बात है, गवर्नेंस में भी अच्छा है और पार्टी काम भी अच्छा चल रहा है। निकाय को किस तरह से मजबूत करेंगे आप, आज आपने बुलाई है बैठक, सहकारिता को किस तरह से मजबूत? मोदी जी ने एक मॉडल बना करके, गुजरात मॉडल बना करके देश भर गुजरात मॉडल इंप्लुएंस हुआ है। इसके जैसे आप सभी भी अच्छा मॉडल बना करके काम करने का चर्चा हुआ है। क्या आगामी चुनाव को देखते हुए ये रणनीति बनाई है? भाजपा केवल चुनाव के लिए पार्टी नहीं है, हम देश के लिए काम कर रहा है। ये राजनीति एक पार्ट है, केवल चुनाव के लिए नहीं है। चुनाव के लिए काम करने वाला पार्टी अलग अलग है, हमारा पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं है, चुनाव ही एक हिस्सा है। जनता पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर काफ़ी परेशान है, रसोई गैस भी, क्या इसको लेकर के, रसोई गैस को लेकर के क्या ये भी आप मैसेज राजस्थान से मिल रहा है? हाँ, कांग्रेस ऑयल बॉन्ड के नाम पर देश के जनता के धोखा दिया है। अभी मोदी जी सरकार विथ इंटरेस्ट ऑयल बॉन्ड का लोन चुकता करने का काम कर रहा है, इसके लिए परेशान है। 85% ऑयल विदेशी इंपोर्ट होता है। मोदी जी ने लॉन्ग विजन रख करके आत्मनिर्भर एक स्लोगन दिया है, आत्मनिर्भर में सभी स्वावलंबी होना चाहिए, लॉन्ग विजन है, लॉन्ग प्लान है।
एक दिन होगा ही होगा। बीजेपी ने खूब प्रदर्शन किए देश भर में, लेकिन अभी 800 रुपए से ज्यादा का रसोई गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से ना तो विरोध है ना इसका समर्थन है। क्या क्या मतलब क्या भूमिका है? दिस इज टेम्पररी है, टेम्पररी है, और 1.5% MSP मोदी जी ने ज़्यादा दिया है। पहले किसान सम्मान योजना के हिसाब से 6,000 नहीं मिलता था, मोदी जी ने सभी किसान परिवारों को 6,000 दे रहा है, लेकिन किसान तो दे रहा है। इसके साथ साथ देश भर डेवलपमेंट काम चल रहा है, रेलवे से लेकर नेशनल हाईवे के हाईवे से लेकर सभी देश भर चल रहा है। पहले बार 2000 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करने का काम भी हो रहा है। कौन कर रहा है? 15 एम्स देश पर 15 हम एम्स मोदी जी कालखंड में हो रहा है। आप लिस्ट रख करके आप सोचिए ज़्यादा कौन किए? बीजेपी ने किए, मोदी जी ने किए। फोन टैपिंग के बारे में मुझे पता नहीं, कौन टैप कर रहा है इसके बारे में पता नहीं। राजस्थान में हो रहा है तो मुझे राजस्थान गवर्नमेंट सामने दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे वसुंधरा राजे? अलग दो धड़े नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर उससे पहले किस तरह के आप समझाइश कर रहे हैं या क्या? सभी एक ही है, किस तरह से आप सभी एक ही है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने बेबाक और चुटीले अंदाज में मीडिया के जवाब देते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस में चल रही उठापटक पर भी शायरी के साथ अपनी बात कही। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की रीति नीति और परंपरा से काम करने वाला दल है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की विचार यात्रा में पार्टी का संगठन अपने आप में एक ताकत है, और हम अनेक अवसरों पर ऐसे संगठन के उपक्रम के जरिए अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के अलावा पार्टी के प्रमुख नेता, जिसमें खास तौर पर हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं वो अलग अलग प्रदेशों का प्रवास करते हैं, 3 दिन का, बड़े प्रदेशों में 3 दिन का, छोटे में 2 दिन का। उनकी एक अपना एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल होता है, बूथ से लेके और प्रदेश स्तर तक की विभिन्न तरीके की बैठकों का वो आयोजन करते हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं और उस आधार पर कोई निर्देश होते हैं तो वो भी देते हैं। अजमेर में आज इसी क्रम में, क्योंकि कल उनका आगमन हुआ था, और जोधपुर में बूथ की, एक मंडल की और ज़िले की ये कार्यकारिणी उन्होंने की वहाँ पे, एक ज़िले की। उसके बाद में आज उन्होंने शुरुआत की है अजमेर में राजस्थान प्रदेश के पार्टी के नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके साथ में उनका संवाद है। निकायों में पार्टी के जनप्रतिनिधि संगठन के साथ तालमेल करके किस तरीके से काम करें इस पर चर्चा होगी। सरकार, क्योंकि विपरीत विचार की है, इसलिए आर्थिक संसाधनों की भी एक संकट रहता है। ऐसे में कई निकाय नवाचार के जरिए भी वहाँ पर अच्छा काम करते हैं, सफाई को लेके या दूसरे किस्म के जो नवाचार जो शहर को विकसित करने में योगदान करें। आज इसी के साथ में अभी सलेमाबाद में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे की प्रदेश की बैठक है, जिसमें पार्टी के उस किसानों के समूह के साथ में हम लोग संगठनात्मक मजबूती के लिए और आगामी कार्यक्रमों की हम लोग चर्चा करेंगे। कल आपके साथ प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है। तो कुल मिलाकर सीटी रवि जो कर्नाटक से चिकमंगलूर से विधायक हैं, वहाँ के कर्नाटक के बहुत कद्दावर नेता हैं, पार्टी के युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और शिक्षा मंत्री वहाँ की सरकार में रहे हैं। पार्टी के काम के लिए उन्होंने
शिक्षा मंत्री से त्यागपत्र दे के और पार्टी के पूरे समय काम करने के लिए महामंत्री के नाते उनको जिम्मेवारी है और इसी क्रम में हमारे बीच में आए। प्रदेश की सियासत को लेके इतना ही कह सकता हूँ कि दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, क्योंकि ढाई वर्षों में इस सरकार की जिस तरीके की नीति है उसमें कोरोना आपदा में अवसर बन के कांग्रेस के लिए आया है, क्योंकि अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये तीन ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस सरकार की चारों तरफ से विफलता दिखाई देती है। सरकार की तरफ से कोई यत्न नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदेश इस समय अपराधों की राजधानी बन गया, 5,23,000 मुकदमे दर्ज होना और लगातार बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं, ये अपने आप में इस बात का संकेत करती हैं। अनुशासित कही जाने वाली भाजपा में भी खिंचतान शुरू हो गई है। पोस्टर विवाद है जैसा, रोहतास की कार्रवाई भी 6 साल के लिए निलंबित किया गया। देखिए, लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन हम लोग अपने एक विचार के नाते काम करने वाले एक ऐसे किस्म के संगठन हैं। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति का काम है, इसलिए इसमें मतभेद हो सकते हैं, कुछ अन्य किस्म की बातें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस से तो इसको कंपेयर कतई नहीं कर सकते। और यहाँ पर अनुशासन का विशेष महत्व है। इस तरीके के मुद्दे और मसले आते हैं तो पार्टी उस पर संज्ञान भी लेती है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी के बारे में प्रचारित की जाती हैं वो चीज़ें मीडिया और सोशल मीडिया का उपक्रम जरूर है, लेकिन पार्टी के भीतर किसी तरीके का कोई विवाद या अंतर्कलह नहीं है। यदि इतिहास में पीछे मुड़ के देखें तो महंगाई की और भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है, और मुझे ताजुब होता है कि वो डीजल और पेट्रोल को लेकर जिस तरीके से उपक्रम करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, पाखंड करते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पेट्रोल 112% की बढ़ोतरी हुई थी, डीजल की 160% की हुई थी। राजस्थान के लोगों को सस्ता डीजल पेट्रोल मिले तो उसका सीधा सीधा उपाय है, यहाँ पर 36 रुपये और 26 रुपये ये पेट्रोल और डीजल पर वैट एक्स्ट्रा है। आसपास के प्रदेशों से लोग डीजल लाते हैं और यहाँ का रेवेन्यू का नुकसान होता है। सरकार चाहे तो राजस्थान की सरकार राजस्थान के लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल दे सकती है। बीजेपी ने 450 रसोई गैस का सिलेंडर पे भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था पूरे देश भर में, आज 800 के ऊपर हो गया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी तय होती हैं, और रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत एक समय मनमोहन सिंह जी के टाइम भी 1,000 रुपये पहुँच गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बात तो रसोई गैस की सहूलियत की थी। आज हिंदुस्तान के 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उज्ज्वला के उस रसोई गैस का उपभोग कर रहे हैं, 65 लाख से भी ज़्यादा लोग राजस्थान में भी उपयोग कर रहे हैं। तो ईंधन का एक मजबूत विकल्प था जो लोगों को सहूलियत के लिए मिलता है। देखिए, वैसे तो परंपरा और उस व्यवहार के नाते तो कह सकता हूँ कि उनका अपना झगड़ा है, लेकिन हमें चिंता ये कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का असर राजस्थान की गवर्नेंस पे पड़ा है। जिन बातों का जिक्र किया, अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम बातें, इसलिए जो प्रदेश का प्रभारी किसी वरिष्ठ पत्रकार के ट्वीट करे और उसमें वो सब बातें जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जुड़ी हैं, तो इस बात का प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं, प्रमाण है कि कांग्रेस में अंदरूनी अंतर्कलह बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा विस्फोटक है, और ये कब ज़मीन पर आ जाए कोई कह नहीं सकता। लेकिन इसके कारण कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की पार्टी ये नैतिक रूप से कमज़ोर हुई है, इस बात का प्रमाण है। बीजेपी को फायदा मिल रहा है? देखिए, हम कांग्रेस की तरह आपदा में अवसर नहीं ढूंढते, लेकिन ये चिंता जरूर है कि कांग्रेस की इस 2.5 साल की आपस की अंतर्कलह का असर राजस्थान की जनता पर पड़ा है, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम जरूर लगते हैं। लेकिन हेमाराम जी का इस्तीफा बीजेपी ने नहीं कराया, हमारे जो पूर्व मंत्री भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं अलग अलग मौक़ों पर, तो बीजेपी नहीं लिखवाती है। उनके विधायक जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और जिस तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो अपनी कमजोरी से, अपने बोझ से अपने आप गिर जाएगी।